इज यू आर गेटिंग इट. पैसा आया, डिबेंचर्स चला गया. ना वो ड्यू और वो सब करना पड़ेगा अपने को, लीगल फॉर्मेलिटीज वो टेकन केयर ऑफ, उसने बोल दिया है तो अपने को अपना अपना फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा. सो इक्विटी कितना, चार लाख. चार लाख ये हो गया हम लोग का. अभी हम लोग उसको डीपी में ट्रांसफर कर देंगे. अच्छा पैसा कहां से निकालेंगे हम लोग? आर वी हैविंग एनी सिक्योरिटी प्रीमियम? यस वी डू हैव 2,50,000. पीएन में पड़ा है 3 लाख रुपया, तो हम लोग वो पूरा 3 लाख ही है. हाँ तो हम लोग उसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. वी हैव जनरल रिजर्व ऑल्सो, तो हम लोग जनरल रिजर्व इस्तेमाल करेंगे पूरा एंड देन विल गो टू द पीएनएल अकाउंट. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. पीएनएल अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व में पड़ा है 3 लाख रुपीस, इसमें पड़ा है 1 लाख रुपीस. सो यहां पे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 4 लाख रुपीस. आर वी गेटिंग इट? डीपी में सीआरएम में ट्रांसफर मैंने कर दिया. नाउ पे ऑफ कर देंगे हम लोग, तो पे ऑफ कर दे. और कुछ तो बाकी नहीं रहा. नाउ विल पे इट ऑफ. तो पैसा जा रहा है अपने पास से टू टू कैश एंड बैंक एंड दे आर द रिसीवर. कितना कहा गया? ये ला 4 लाख. आर वी गेटिंग इट? अभी क्या करना है अपने को? बोनस, बोनस करना है ना. बोनस शेयर, व्हाट हैव दे सेड? फॉर एवरी इक्विटी शेयर्स वी आर गोइंग टू गिव यू अ बोनस. मतलब दो इक्विटी शेयर्स है आपके पास में, वी आर गोइंग टू गिव यू वन बोनस. मेरे पास में अभी एट प्रेजेंट पता है कितना इक्विटी शेयर्स है? नहीं मैं बोलू 20 लाख था, 4 लाख चला गया, मतलब आपके पास 16 लाख है. 20 लाख पहले था, 4 लाख आपने अभी तो बाय बाय किया, तो कितना बचा? तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि मेरे पास में सिर्फ 8 लाख का बोनस देने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिकॉज 2 पे 1 तो 16 पे 8 हाफ. मतलब 16 का मैं क्या करने वाला मालूम है? बोनस देने वाला. एंड बोनस तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बोनस थोड़ी पैसा लिया जाता है. तो यहां पे एंट्री, एंट्री कैसे आएगा? फर्स्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम. और अपने पास पड़ा पीएनएल अकाउंट है ना. हैव अ लुक. कहां गया? यो ऑल्सो मेरे पास में क्या पड़ा है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये रहा 4 लाख. आपने बनाया क्यों था? बोनस देने के लिए, बोनस देने के लिए तो बनाया था. हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग कुछ कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉसेज जो होगा उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे, कैपिटल लॉसेस को बेसिकली, या फिर कोई इश्यू करना है तो हम लोग राइट. तो यहां पे वही तो रीजन है. तो आई विल बी यूजिंग ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले लिखना है आपको भाई. आप जब बोनस दे रहे हो ना तो वेरी फर्स्ट यू शुड डिटेलाइज इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बिकॉज ये बनाया क्यों है, ये जहां पे बनाया ना वो क्यों बनाया है, यही सब रीजंस के लिए. सो पहले उसको इस्तेमाल करेंगे. अच्छा फिर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंड देन यू हैव पीएनएल अकाउंट. तो पीएनएल अकाउंट डेबिट. अच्छा रिडम्पशन हमने अभी क्रिएट किया है, दैट इज 4 लाख रुपीस. सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे पास में पड़ा है 2,50,000.